brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. सहानपुर जो कि शुरू के दिन से कहा जा रहा है कि पूरा संशय के साथ खड़ा है, वहाँ आधार कार्ड के बावजूद भी वोट नहीं डालने दे रहे अधिकारी, ये गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैंने देखा कि 10 से ज्यादा मशीनों खराब होने की सूचना अभी है और बड़े ताज्जुब की बात है कि हम ये प्रोसीजर ईवीएम का इसलिए लेके आए हैं कि जल्दी वोट कंडक्ट हो जाए, लेकिन इतना समय लग रहा है और कैमरे जो है वो प्रॉपर नहीं है, कैमरों का रुख पता नहीं कुछ अजीब सी तरह के डायरेक्शन में किया गया, ऐसा लग रहा है जैसे लापरवाही बरती गई है। अभी मेरे पास जो रिपोर्ट है उनके अनुसार जहां से ओम कुमार प्रत्याशी हैं भाजपा के, उनके खुद के गांव की मशीन मेसरी जट 206 नंबर नगीना वो अभी तक चालू नहीं हुई है। बूथ 123 मोहल्ला अफगानान शेरकोट की मशीन चालू अभी बहुत बड़ी मुश्किल कराई, घंटे में 8 बज गए हैं 8:15। बूथ संख्या 24 नजरपुर बिलोच नूरपुर वहां की मशीन नहीं चल रही है। और एक शिकायतें मिली है सहानपुर जो कि शुरू के दिन से कहा जा रहा है कि पूरा संशय के साथ खड़ा है, वहां आधार कार्ड के बावजूद भी वोट नहीं डालने दे रहे अधिकारी, ये गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस तरह की जो सरकारी दबाव में सरकार के दबाव पुलिस अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं ये गलत है। अगर सरकार इस तरह की रवैया अपनाएगी दबाव बनाएगी तो फिर इसके लिए हम कुछ दोपहर बाद हम इसके बारे में सोचेंगे। मैं सभी बूथों पर जाऊंगा जहां ईवीएम में गड़बड़ी हुई वहां भी जाऊंगा और जहां इस तरह से कोई गुंडागर्दी हुई वहां भी जाऊंगा, जहां जिस तरह से दबाव बनाने का काम यहां के लोकल नेताओं द्वारा भाजपा किया जा रहा है उन सभी बूथों पर जाऊंगा। और मैं चाहता हूँ मीडिया भी जाके दिखाए किस तरह गुंडागर्दी यहाँ की जा रही है अकेले चंद्र आजाद को रोकने के लिए। सर आपने खूब प्रचार अभियान किया हम सब।